हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग फेब के सेकंड वीक के टॉप करंट अफेयर एमसीक्यूज की बात करेंगे। इस वीडियो में मैंने टोटल 108 एमसीक्यूज लिए हैं जो आपके आने वाले आरबीआई असिस्टेंट, आरबीआई ग्रेड बी, ईएसआईसी, सेबी, एनएचबी या और जो भी कोई एग्जाम्स अगले 6 महीनों के हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये करंट अफेयर एमसीक्यूज बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किस ऑर्गेनाइजेशन ने फोन पे, AWS और अर्नस्ट एंड यंग EY के साथ टाई अप करा है फिनटेक ओपन नाम का वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज कराने के लिए। फिनटेक ओपन, तो दोस्तों ये टर्म याद रखिएगा, फिनटेक बहुत ज्यादा न्यूज में आ रही है, इसके लिए मैं अलग से फिनटेक को एक्सप्लेन करते हुए स्पेशली आरबीआई ग्रेड बी के लिए फिनटेक के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों इसका आंसर है नीति आयोग। नीति आयोग ने फोन पे, AWS और अर्नस्ट एंड यंग के साथ मिलकर 3 हफ्तों का एक लॉन्ग वर्चुअल समिट बनाया है। नार्डेको के डीजी कौन अपॉइंट हुए हैं? नार्डेको के नए डीजी अपॉइंट हुए हैं मिस्टर आलोक गुप्ता। आलोक गुप्ता जी नार्डेको के नए डीजी अपॉइंट हुए हैं। इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए एक नया ऑपरेशन लॉन्च करा है। तो दोस्तों इस ऑपरेशन का नाम है ऑप्शन सी, ऑपरेशन आहत, AAHT। दिस विल बी द आंसर। रेनॉन साइंटिस्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर HSFC के डायरेक्टर डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर, अब इन्हें VSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया है। VSSC के नए डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं? डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ VSSC। VSSC कहां लोकेटेड है दोस्तों? इसका आंसर आता है तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन सी। VSSC तिरुवनंतपुरम में लोकेटेड है और इसके नए डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेफर इंटरनेट डे 2022 मनाया गया था, इसकी थीम क्या है? दोस्तों इसकी थीम है टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। सेफर इंटरनेट डे की थीम है टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड नेशन हैज कमेंस द प्रोसेस ऑफ ग्रांटिंग इंडियन नेशनल वीजा फ्री एंट्री फॉर बिजनेस पर्पसेस? तो दोस्तों इसका आंसर है मालदीव्स। दोस्तों ये जो भी मैं करंट अफेयर के एमसीक्यूज करा रहा हूँ, ये सारी न्यूज मैंने अपने ही वीडियोस में से ली है। मेरे वीडियोस का डेली वाइज एनालिसिस आता है, डेली वाइज मैं वीडियो अपलोड करता हूँ करंट अफेयर्स का, आप लोग उन्हें एक बार देखिए। उन्हें देखने के बाद आप इस क्विज को अटेम्प्ट कीजिए, आपको एग्जाम से बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। दोस्तों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था कि कौन सी कंट्री ने इंडियंस को बिजनेस पर्पसेस के लिए वीजा फ्री एंट्री अलाउ करी है? आंसर इज मालदीव्स। AFC वुमेन्स एशिया इंडिया कप 2022 कौन सी टीम ने जीता है? दोस्तों ये चाइना ने जीता है, चाइना PR, चाइना पीपल्स रिपब्लिक इसे कहते हैं। चाइना ने AFC वुमेन्स एशिया कप 2022 जीत लिया है। कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने टॉप करा है? दोस्तों एक इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट आई थी 2021 जिसके अंदर बताया था कि कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा अटैक्स होते हैं जर्नलिस्ट पे, तो इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। इसमें था सबसे ज्यादा जम्मू एंड कश्मीर में होते हैं और सेकंड नंबर पर यूपी का नाम आया था, इसके अंदर उत्तर प्रदेश का नाम सेकंड नंबर पर आया था जहां पे जर्नलिस्ट पर अटैक्स होते हैं, और टॉप करा है इस चीज में जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि नहीं होना चाहिए इतना। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ फाइजर इंडिया? फाइजर इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं प्रदीप शाह। प्रदीप शाह हमारे फाइजर इंडिया के करंट चेयरमैन है। कौन सी इंश्योरेंस कंपनी ने रिसेंटली एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ टाई अप करा है? एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ टाई अप करा है साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस का, कौन सी कंपनी ने करा है? दोस्तों इसका आंसर है ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस के लिए टाई अप किया है। मिस शुक्ला मिस्त्री है, मिस शुक्ला मिस्त्री फर्स्ट वुमेन फंक्शनल डायरेक्टर अपॉइंट हुई है, कौन सी कंपनी में अपॉइंट हुई है? तो ये अपॉइंट हुई है इंडियन ऑयल में। बहुत बड़ी न्यूज है दोस्तों, क्योंकि इंडियन ऑयल बहुत बड़ा PSU है और उसके अंदर फर्स्ट वुमेन फंक्शनल डायरेक्टर अपॉइंट होना, वुमेन फंक्शनल डायरेक्टर अपॉइंट होना दैट टू फर्स्ट टाइम, तो ये अपने आप में एक न्यूज बन जाती है। ये है मिस शुक्ला मिस्त्री। दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच कंट्री हैज लेड द डिजिटल स्किल्स रेडीनेस एंड हैज द हाईएस्ट रेडीनेस इंडेक्स अमंग द 19 कंट्रीज इन द 2022 ग्लोबल स्किल डिजिटल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स? दोस्तों 2022 का ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स रिलीज हुआ है जो कि 19 कंट्रीज के बीच में सर्वे कराया था और इसमें टॉप कंट्री निकल कर आई है इंडिया, डिजिटल स्किल्स रेडीनेस इंडेक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द NIF इंक्यूबेशन एंड एंटरप्राइज काउंसिल? तो जो निफी एंट्रेक के साथ में इनोवेशन बूस्ट करने के लिए किसने टाई अप करा है? दोस्तों इसका आंसर है Amazon ने। Amazon ने NIF इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल के साथ टाई अप करा है टू बूस्ट इनोवेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। विच स्टेट हैज अपॉइंटेड अक्षय कुमार एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? तो दोस्तों इसका आंसर है उत्तराखंड। और दोस्तों अक्षय कुमार के साथ साथ जो हमारे क्रिकेटर है ऋषभ पंत, वो भी उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर है। हमने जब इसकी करंट अफेयर्स की वीडियो पढ़ी थी उसके अंदर मैंने ये चीज आपको बताई भी थी। कौन सी यूनिवर्सिटी ने शांति श्री धुलीपुदी पंडित जी को फर्स्ट वुमेन चांसलर वुमेन वाइस चांसलर अपॉइंट कराया? दोस्तों इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में है, काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल न्यूज में रही है पिछले कुछ सालों में। वहां पे फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर आई है जिनका नाम है शांति श्री धुलीपुदी पंडित। Which of the following bank has partnered with Creditas solution for Neo Collection platform? दोस्तों RBL bank का है ये Neo Collection platform और इसने Creditas solution के साथ जो कि एक fintech company है उसके साथ tie up करा है। जो RBI grade B वाले aspirants हैं या फिर अगर आप लोग RBI grade B देने के mood में हैं तो आप लोग ध्यान रखिएगा आपके syllabus का topic है fintech और fintech से related जितनी भी news है अगर fintech पे descriptive आता है। वैसे तो मैं फिनटेक को ढंग से एक्सप्लेन करूंगा फिनटेक में क्या क्या चीजें होती हैं, बट उसके अलावा न्यूज करंटली ही चलती रहेंगी। मैं जिस दिन वीडियो बनाऊंगा उसके बाद भी काफी सारी न्यूज आ जाएंगी, तो आप इन न्यूज को ध्यान रखिएगा। आपके डिस्क्रिप्टिव में अगर 600 नंबर के लिए लिखने का आएगा 15 नंबर का क्वेश्चन, जितने ज्यादा आप उसमें टॉपिक के साथ साथ करंट अफेयर्स के फैक्ट्स डालेंगे उतने ही ज्यादा अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन 17 पे चलते हैं। हमने इसका क्वेश्चन पीछे पढ़ा था कि ऑपरेशन AAHT जो है 8 से इसका क्या मतलब है, इसमें से कौन सा ऑपरेशन ट्रू है? ऑप्शन ए नेशन वाइड ऑपरेशन टू कर्ब ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बी मनी लॉन्ड्रिंग, सी ड्रग्स, डी ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड ई थेफ्ट इन रेलवे। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, इट इज अ नेशन वाइड ऑपरेशन टू कर्ब ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इसको लॉन्च किसने करा है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अहमदाबाद की फ्रेंचाइजी आ रही है इंडियन प्रीमियर लीग में, दोस्तों इस टीम का क्या नाम होगा? इस टीम का नाम होगा गुजरात टाइटंस। 2022 में दो नई टीम्स आ रही हैं, गुजरात टाइटंस और एक टीम यूपी की आ रही है, आगे उसका भी नाम आएगा, उसका एक क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं अभी से वो नाम नहीं बताऊंगा। सितंबर 22 में वर्ल्ड साइकिलिंग इवेंट, वर्ल्ड कप साइकिलिंग इवेंट कराने की बात किसने बोली है? ये बात बोली है लेह ने, लद्दाख यूनियन टेरिटरी में लेह डिस्ट्रिक्ट है, जिसने बोला है कि वर्ल्ड कप साइकिलिंग इवेंट कराएंगे सितंबर 2022 में। वर्ल्ड पल्सेस डे हम लोग कब मनाते हैं? दोस्तों वर्ल्ड पल्सेस डे मनाते हैं फरवरी 10 को, फरवरी 10 को मनाया जाता है वर्ल्ड पल्सेस डे। इंडिया ने नेट जीरो एमिशन किस ईयर के लिए बोला है? नेट जीरो एमिशन इंडिया ने बोला है 2070 तक, 2070 तक इंडिया इज सेट टू अचीव नेट जीरो एमिशन। ये वो क्वेश्चन आगे जो मैं आपसे कह रहा था, आईपीएल 2022 में एक टीम तो हमने गुजरात की पढ़ी थी, दूसरी टीम लखनऊ की आ रही है, लखनऊ की टीम का क्या नाम होगा? लखनऊ की टीम का नाम होगा लखनऊ सुपर जायंट्स, लखनऊ सुपर जायंट्स विल बी द नेम ऑफ टीम फ्रॉम यूपी और लखनऊ। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों। कौन से बैंक ने एनएससी अकेडमी के साथ टाई अप करा है टू लॉन्च 5 ऑनलाइन कोर्सेज टू प्रमोट फाइनेंशियल लिटरेसी? दोस्तों ये फाइनेंशियल इंक्लूजन फाइनेंशियल लिटरेसी इन दोनों टॉपिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है। एनएससी अकेडमी जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की होली ओन सब्सिडरी है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसके साथ टाई अप करा है। मूक्स के थ्रू 5 को ऑनलाइन कोर्सेज कराएंगे टू प्रमोट फाइनेंशियल लिटरेसी। कौन सी कंपनी ने मलेशियन पेमेंट स्टार्टअप करलेक में मेजॉरिटी स्टेक्स बाई करे हैं? तो दोस्तों यह है रेजर पे, रेजर पे ने मलेशिया पे बेस्ड एक कंट्री है, एक कंपनी है करलेक, उसमें मेजॉरिटी स्टेक्स बाई कर लिए हैं। Which of the following social media platform has introduced the take a break feature to encourage break from social media? दोस्तों लोगों की एक आदत होती है, लोग Facebook पे Instagram पे continuously scroll करते रहते हैं, shorts देखते रहते हैं, reels बनाते रहते हैं, तो उन सब चीजों को रोकने के लिए Instagram ने ये बात बोली है कि एक फीचर उन्होंने लॉन्च किया टेक अ ब्रेक। आप बहुत देर आपको स्क्रॉल करते हुए हो गया, आपके पास एक रिमाइंडर आ जाएगा कि बहुत देर हो गई, अब थोड़ा सा ब्रेक ले लो। इंडिया का फर्स्ट कॉमर्शियल स्केल बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट ये कहां पर आ रहा है? कॉमर्शियल स्केल बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट आ रहा है मध्य प्रदेश। दोस्तों इस न्यूज को भी मैंने काफी डिटेल में अपने करंट अफेयर्स की वीडियो में पढ़ाया हुआ है, मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है, आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। फरवरी 1 ऑनवर्ड्स मैंने करंट अफेयर्स कराए हैं और जैन के करंट अफेयर्स को मैं दो पार्ट्स में कराऊंगा, जैन 1 से 16 और जैन 17 से 31, दो वीडियोस बनाऊंगा मैं बड़े बड़े जिसमें पूरा जैन आपका कंप्लीट करा दूंगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है, इस योजना को एक्सटेंड कर दिया गया है। सवाल है ये योजना कब तक के लिए एक्सटेंड हो रही है? इस योजना को एक्सटेंड किया गया है साल 2026 तक, मतलब 2025-26 जो फाइनेंशियल ईयर है वहां तक इसे एक्सटेंड कर दिया गया है।
डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर किसको रिसेंटली सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है? दोस्तों नए सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं संजय मल्होत्रा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में सेक्रेटरी नहीं है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, उसके अंदर सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं संजय मल्होत्रा। अटल टनल को रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया गया एज द लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबव 10,000 फीट। दोस्तों वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने फरवरी 2022 में अटल टनल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करा है एज लॉन्गेस्ट हाईवे टनल ओवर 10,000 फीट। क्वेश्चन इज कि ये टनल कितने किलोमीटर लंबी है? तो ये टनल है 9.02 किलोमीटर लंबी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज अनाउंस न्यू ITIS पॉलिसी फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स टू जनरेट 1 लाख एम्प्लॉयमेंट? दोस्तों ये न्यूज गुजरात की है और मैंने इस न्यूज को भी अपने करंट अफेयर्स की वीडियो में काफी अच्छे से पढ़ाया है। दोस्तों अगर आपको इस चैनल की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल @wish_wise को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा दूसरा टेलीग्राम चैनल RBI Assistant Exam 22 ज्वाइन कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड एन MOU विद सोशल अल्फा टू डेवलप क्लीन एनर्जी इन द स्टेट? सोशल अल्फा नाम की कंपनी के साथ MOU करा है दोस्तों केरला ने। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है या आपके क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन लोगों के साथ भी ये करंट अफेयर शेयर हो पाए। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP ने एक MOU साइन करा है माझी वसुंधरा कैंपेन के लिए। तो माझी वसुंधरा कैंपेन महाराष्ट्र गवर्नमेंट की एक स्कीम है। तो आंसर इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के साथ टाई अप करा है माझी वसुंधरा कैंपेन के लिए। इन अकॉर्डेंस विद ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स, दोस्तों ये एक बड़ी न्यूज आई थी। एशिया के रिचेस्ट पर्सन बहुत सालों से मुकेश अंबानी चल रहे थे बट रिसेंटली किसी ने उन्हें रिप्लेस कर दिया है। अब एशिया के नए रिचेस्ट पर्सन है गौतम अडानी जो कि अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के ओनर हैं और ये बात आई है ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के थ्रू। Which of the following companies hold 40% of the total paid up equity share capital of Sterling and Wilson Renewables? दोस्तों ये बहुत बड़ी डील हुई थी रिलायंस इंडस्ट्रीज की। तो रिलायंस न्यू एनर्जी जो है, रिलायंस न्यू एनर्जी ने स्वेल के साथ एक टाई अप करा। अब रिलायंस न्यू एनर्जी के पास स्वेल के 40% स्टेक्स आ गए हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाते हैं। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ICRISET, ये कहां पर है? दोस्तों रिसेंटली इस इंस्टीट्यूट ने अपनी 50th एनिवर्सरी मनाई है। 50th एनिवर्सरी हुई है इसकी फरवरी में। PM मोदी ने इसको इनॉग्रेट भी करा था इसके एनिवर्सरी सेलिब्रेशन को और ये लोकेटेड है हैदराबाद में। ICRISET इज लोकेटेड इन हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RBI इन टर्म्स ऑफ बाइंग गोल्ड अमंग द वर्ल्ड सेंट्रल बैंक इन 2021, तो कौन सा सेंट्रल बैंक सबसे ज्यादा करा है? वो करा है सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड ने। सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड ने नंबर 1 आया है। RBI की रैंक आई है दोस्तों नंबर 2। मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज हुई थी कुछ टाइम पहले, तो मॉनेटरी पॉलिसी के लिए स्टेटमेंट पूछे गए हैं। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? पहला, मॉनेटरी पॉलिसी साल 2016 में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, बिल्कुल सही है। कमेटी में 6 मेंबर्स होते हैं, बिल्कुल सही है। जो RBI के गवर्नर होते हैं क्या वो इसके चेयरपर्सन होते हैं? ये भी बिल्कुल सही है। मॉनेटरी पॉलिसी डिटरमाइन द पॉलिसी इंटरेस्ट रेट रिक्वायर्ड टू अचीव द टारगेट इन्फ्लेशन, ये भी बिल्कुल सही है। ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अगर आपके पास होता है एग्जाम में क्वेश्चन आता है या इंटरव्यू में मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पूछा जा सकता है तो आप इन फैक्ट्स को बोल सकते हैं इसमें। लेट माधवराव लिमाए अवार्ड किसको मिला है अंडर एफिशिएंट MP कैटेगरी? कार्यक्रम खासदार कैटेगरी में यह अवार्ड दिया है नितिन गडकरी को। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द SSC? तो SSC के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं श्री एस किशोर। श्री एस किशोर जो हैं SSC के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस हम लोग कब मनाते हैं? ये डे मनाया जाता है दोस्तों 11 फरवरी को। 11 फरवरी को मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। और इस डे की थीम क्या थी? इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड साइंस की थीम क्या थी? हम लोग 11 फरवरी को मनाते हैं और इसकी थीम थी इक्विटी डायवर्सिटी एंड इंक्लूजन, वाटर यूनाइट्स अस। वर्ल्ड यूनानी डे हम लोग मनाते हैं 11 फरवरी को। ये क्वेश्चन है अपने आप में कि वर्ल्ड यूनानी डे कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को। दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है कि किस लिए मनाया जाता है? ये बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है हकीम अजमल खान जी की। हकीम अजमल खान जी की हम लोग बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं 11 फरवरी को और उनकी बर्थ एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन में हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड यूनानी डे। आगे चलते हैं।
Which of the following Indian company has secured an order to construct high-tech IT parks in 8 locations across Bangladesh? तो ये मिला है Larsen & Toubro Limited को, L&T को मिला है कि वो बांग्लादेश में भी अब 8 अलग-अलग locations पे high-tech IT parks बनाएंगे। नेशनल डिवॉर्मिंग डे दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? नेशनल डिवॉर्मिंग डे मनाया जाता है फरवरी 10 को। फरवरी 10 को हम लोग मनाते हैं नेशनल डिवॉर्मिंग डे। हाई कोर्ट के जज अपॉइंट करने के लिए कौन सा आर्टिकल यूज होता है? ये आपके एसएससी के लिए भी जरूरी है, ये अलग क्वेश्चन, पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आरबीआई और बाकी सारे आईबीपीएस एग्जाम्स के लिए तो जरूरी है, क्योंकि हम लोग हर महीने या हर दूसरे महीने न्यूज में पढ़ते हैं कि कोई ना कोई किसी ना किसी हाईकोर्ट में जज या चीफ जस्टिस अपॉइंट हो रहे हैं। दोस्तों हाईकोर्ट के जज अपॉइंट होते हैं आर्टिकल 217 में। अगर आप वीडियोज को देख रहे हैं और आप कमेंट करेंगे तो कमेंट में बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के जज को, जो चीफ जस्टिस है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं, उन्हें कौन अपॉइंट करता है और उन्हें किस आर्टिकल में अपॉइंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 हम लोग देखते हैं, कौन से बैंक ने एनएससी एकेडमी के साथ टाइप करा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों, इसका हमने पीछे आंसर पढ़ा था। इसका आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एनएससी एकेडमी के साथ में 5 ऑनलाइन कोर्सेज लॉन्च करने की बात करी है। वन ओशन समिट हुआ है दोस्तों, वन ओशन समिट के अंदर कौन कौन था? यूनाइटेड नेशन था, वर्ल्ड बैंक था और एक कंट्री इसमें इन्वॉल्व थी, वो कंट्री का नाम था फ्रांस। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस हैज ऑर्गेनाइज्ड वन ओशन समिट इन कोऑपरेशन विद यूनाइटेड नेशन एंड वर्ल्ड बैंक? फ्रांस, फ्रांस ने बात बोली है। एज पर टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स, दोस्तों टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स है उसमें बोला है कि मुंबई की रैंक है 5th इन टर्म्स ऑफ कंजेशन, कंजेशन या फिर ट्रैफिक, जो ट्रैफिक डेंसिटी है उसमें मुंबई 5th नंबर पर है। नंबर 1 कौन सा है आप लोगों को ये कमेंट्स में बताना है। मेरे करंट अफेयर के वीडियोस में नंबर 1 भी मैंने मेंशन करा है, मुंबई की रैंक के साथ साथ पुणे और दिल्ली की भी, नहीं सॉरी, बेंगलुरु और दिल्ली की भी रैंकिंग मेंशन करी है। क्वेश्चन 49 है कि एनआरएआई ने एक टाई अप करा है ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ डेफ के साथ में। तो जो NRAI है, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये किस ईयर में फाउंड किया गया था? तो दोस्तों इसका फाउंडेशन हुआ था 1951 इज द फाउंडेशन ईयर ऑफ NRAI। आपको बताना है कि NRAI के हेड का नाम, NRAI के हेड का क्या नाम है। आप करंट अफेयर्स के मेरे वीडियोस देखिए या फिर आप जो भी आपका करंट अफेयर का सोर्स है वहां से आप देखिए, बताइए कि इसके हेड का क्या नाम है, कमेंट्स में आप मेंशन कीजिए। और दूसरी चीज, इसके अंदर आप ये भी मेंशन कीजिए कि ये जो MOU हुआ है ये किस चीज के लिए हुआ है। RBI ने मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर बताया गया कि हमारा रियल GDP ग्रोथ 2022-23 के लिए क्या है। तो RBI ने प्रोजेक्ट करा है 7.8% टू बी द रियल GDP ग्रोथ फॉर 22 एंड 23। 51 की बात करें तो RBI ने VRR को दोबारा से रिलॉन्च करा है, रिवाइज इन्वेस्टमेंट लिमिट दी है। VRR होता है दोस्तों वॉलंटरी रिटेंशन रूट, जिसके थ्रू FPI जो कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर से वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। इसकी लिमिट कितनी है दोस्तों? VRR के लिए जो इन्वेस्टमेंट लिमिट थी पहले एक लाख करोड़ थी, अब इसको 2.5 लाख करोड़ कर दिया गया है। डेढ़ लाख करोड़ थी। मैं वीडियोस में आप एक बार देखिएगा, वहां ढंग से मैंने मेंशन करा है, VRR को काफी अच्छे से एक्सप्लेन करा है। इंडिया की EUI डेमोक्रेसी इंडेक्स में रैंकिंग क्या आई है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन EUI डेमोक्रेसी इंडेक्स? दोस्तों इसका आंसर है 46। इंडिया रैंक्स 46। आपको बताना है टॉप 1, 2 और 3 नंबर पे कौन से नेशंस हैं। इंडिया का फर्स्ट बुलेट ट्रेन स्टेशन कहां पर आएगा? दोस्तों फर्स्ट बुलेट ट्रेन स्टेशन सूरत में आ रहा है। आप इसका कमेंट्स में मेरे को बताइए कि इसकी टाइमलाइन क्या है, ये कब आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि जो स्कीम है एक सेंट्रल गवर्नमेंट की, राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। उसके लिए कितना बजटरी आउटले आया है? दोस्तों इसके लिए आया है 2,710 करोड़ रुपए का बजटरी आउटले। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू कंटिन्यू द स्कीम राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम विद एन आउटले ऑफ 2,710 करोड़ रुपीज। कौन सी स्टेट या यूटी ने साइन करा है न्यूजीलैंड की G2G पब्लिक सेक्टर कंपनी के साथ शीप फार्मिंग सेक्टर को बढ़ाने के लिए? दोस्तों जब शीप की बात आती है तो आप समझ जाए कि हम लोग जरूर किसी हिली एरिया की बात कर रहे हैं। इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर ने रिसेंटली टाई अप करा है न्यूजीलैंड की पब्लिक सेक्टर कंपनी G2G के साथ शीप फार्मिंग सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 56 है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर एक बुक आ रही है जिसका टाइटल भी उन्हीं के नाम पर है, तो यह बुक लिखी है सागरिका घोष ने। इंडिया ने एग्री करा है टू प्रोवाइड डैश टू इंप्लीमेंट यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क। तो दोस्तों कौन सी कंट्री को हम लोग आधार कार्ड बनाने में हेल्प कर रहे हैं? हमारे आधार कार्ड की तरह की फ्रेमवर्क है जो कि हम श्रीलंका को दे रहे हैं ताकि वो आधार कार्ड की तरह अपने एक
यूनिक आइडेंटिटी कार्ड या फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट कर पाए। क्वेश्चन 58 है कि मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रिसेंटली किसको अपॉइंट किया गया है। दोस्तों इसका आंसर है मुनीश्वरनाथ भंडारी जी। मुनीश्वरनाथ भंडारी जी जो है चीफ जस्टिस बने हैं मद्रास हाई कोर्ट के। अहमदाबाद बेस्ड आईपीएल टीम, हमने पीछे नाम पढ़ा था गुजरात टाइटंस इसका नाम है, इसके कैप्टन कौन होंगे। दोस्तों इसके कैप्टन होंगे हार्दिक पांड्या। 45th इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर होगा जो कि फरवरी 28 से शुरू है। दोस्तों इसकी फोकल थीम क्या है, इसकी फोकल थीम है बांग्लादेश, सॉरी फोकल थीम कंट्री है इसकी बांग्लादेश। क्वेश्चन 61 देखते हैं कि सेबी की एडवाइजरी कमेटी थी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड पर। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड की जो इसकी एडवाइजरी कमेटी थी, इसका नए चेयरपर्सन कौन अपॉइंट हुए हैं। तो इसके नए चेयरपर्सन आए हैं जी महालिंगम जी नए चेयरपर्सन बने हैं सेबी की एडवाइजरी कमेटी ऑन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड। 62 नंबर का क्वेश्चन है कि जीवा प्रोग्राम किसने लॉन्च करा है। तो पहला ऑप्शन, जीवा प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है नाबार्ड के द्वारा। दूसरी चीज, इसका एम क्या है। जीवा प्रोग्राम का एम है टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग। रुपेंद्र सिंह सूरी, रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है, ये कौन सी फील्ड से एसोसिएटेड थे। ये इंडिया के ब्यूरोक्रेट भी थे और साथ साथ हमारे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे। तो ये लीगल फील्ड से या फिर लॉ से रिलेटेड थे। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे हम लोग कब मनाते हैं। ये डे मनाया जाता है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के थ्रू फरवरी 12 को हम लोग मनाते हैं नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन रिलीज हुआ है दिसंबर 2021 का, फरवरी में रिलीज हुआ है। क्वेश्चन है कि इनमें से आईआईपी को कौन रिलीज करता है। दोस्तों इसका आंसर है लेबर ब्यूरो। लेबर ब्यूरो जो है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन प्रोडक्शन रिलीज करता है। आपको कमेंट्स में मेरे को बताना है कि आईआईपी की फ्रीक्वेंसी क्या है, ये कितने कितने टाइम इंटरवेल पर रिलीज किया जाता है। क्या ये मंथली है, क्या ये क्वार्टरली है, क्या ये एनुअल है, या फिर ये सेमी एनुअल है। ये चार चीजों में से कौन सी इसकी फ्रीक्वेंसी है ये आपको बतानी है। वर्ल्ड रेडियो डे दोस्तों हम लोग मनाते हैं 13 फरवरी को, हम लोगों ने मनाया गया वर्ल्ड रेडियो डे। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक एमओयू साइन करा है टूरिज्म कॉरपोरेशन पर रिसेंटली। क्वेश्चन है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया कौन है। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन। चेयरमैन कौन रीअपॉइंट हुए हैं टाटा सन्स के, इन्हें रीअपॉइंट किया गया है 5 साल के लिए। तो यहाँ के चेयरपर्सन है, चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन हैज बीन रीअपॉइंटेड बाय द बोर्ड एज द चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने फर्स्ट कलर सोविनियर कॉइन लॉन्च करा है। दोस्तों ये अच्छा ऑप्शन में ही है, ये पंचतंत्र पर बेस्ड है। और ये कब मनाया गया, जब 17th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन था एसपीएम सिल का, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का 17वें फाउंडेशन डे पर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने फर्स्ट कलर सोविनियर कॉइन लॉन्च करा जो कि पंचतंत्र पर बेस्ड है। क्वेश्चन 70 देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पैनल था एक चार धाम पर, तो उसके चेयरपर्सन थे जिन्होंने रिजाइन कर दिया। क्वेश्चन इज, वो कौन उसके चेयरपर्सन थे जिन्होंने रिजाइन करा। आंसर इज रवि चोपड़ा जी ने। इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग हॉरिजन्स, ये बुक किसने लिखी है। दोस्तों ये बुक लिखी है राजीव भाटिया जी ने। फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, दोस्तों ये फाइनेंशियल लिटरेसी वीक जो है सेकेंड वीक होता है फेब का, जो कि आरबीआई सेलिब्रेट करता है। इसकी थीम क्या थी दोस्तों, इसकी थीम थी गो डिजिटल गो सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंडिया का नेशनल वुमेन्स डे हम लोग 13 फरवरी को मनाते हैं। हम क्यों मनाते हैं, हम किसके लिए ये दिन मनाते हैं। तो ये दिन मनाया जाता है सरोजनी नायडू जी के लिए, जो कि एक फ्रीडम फाइटर्स में से एक है। ये इंडिया की फर्स्ट फीमेल गवर्नर थी। कौन सी स्टेट की थी, फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, गवर्नर ऑफ अ स्टेट, तो यूपी की थी। इन्हें हम लोग नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या फिर स्वर कोकिला के नाम से जानते हैं। 74th क्वेश्चन है कि स्माइल नाम की एक स्कीम है, स्कीम जो कि वेलफेयर है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का और बेगर्स के लिए, स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी है। दोस्तों इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। 75 है कि अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के साथ में पार्टनर कर रहा है टू लॉन्च कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप, ठीक है। इसके साथ में और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व है, तो इसका आंसर आता है यूएनडीपी, जो कि है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड, जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में,
यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने यूएनडीपी के साथ टाई अप करा है टू लॉन्च कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप। 76 क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने 3 साल का एमओयू साइन करा है ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ टू रिन्यू द पार्टनरशिप एजुकेशन इंग्लिश एंड आर्ट्स। दोस्तों इसका आंसर आता है तेलंगाना। तेलंगाना ने टाई अप करा है ब्रिटिश काउंसिल के साथ में। 77 की बात करें तो इकोवा हेल्थ केयर को एक्वायर करने के लिए डील कौन सी कंपनी ने करी है, कौन सी कंपनी इकोवा हेल्थ केयर को एक्वायर करने जा रही है। तो दोस्तों इसका आंसर है मैक्स हेल्थ केयर। क्वेश्चन 78 देखते हैं कि इंडिया का जो गोवा शिपयार्ड है वो फिफ्थ और फाइनल वेसल आईसीजीएस दे रहा है कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल प्रोजेक्ट में। 5 व्हीकल्स देने थे कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल प्रोजेक्ट के अंदर इंडियन गोवा शिपयार्ड को, वो फिफ्थ और फाइनल वेसल इस प्रोजेक्ट का दे रहा है, उसका नाम क्या है। फिफ्थ और फाइनल वेसल का नाम है दोस्तों सक्षम, आईसीजीएस सक्षम। आरबीआई ने ई रूपी हमारी होगी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो कि टोकन फॉर्म में काम करेगी, टोकन फॉर्म में काम करेगी। इसकी इनिशियली जब ये लॉन्च करने की बात की गई थी तब 10,000 रुपए इसकी टोकन की लिमिट थी, अब इसे बढ़ा के कर दिया है 1 लाख, 1 लाख रुपए इसकी लिमिट कर दी गई है, 10,000 रुपए से बढ़ा के 1 लाख रुपए। इंडिया डीजल को फार्मिंग से हटा रहा है, इंडिया का कहना है, बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ पावर का कहना है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल सोर्सेस का, उनका कहना है कि हम डीजल को हटा के रिन्यूएबल्स को यूज करने लग जाएंगे फार्मिंग में। सवाल है कि कौन से ईयर में हम ऐसा कर रहे हैं, तो ये हम लोग कर रहे हैं साल 2024 में। 2022 का मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होगा जिसके अंदर शॉर्ट फिक्शन डॉक्यूमेंट्री एनिमेशन फिल्म दिखाई जाएंगी जो कि मई में होगा। सवाल यह है कि इसका कौन सा इवेंट होगा, इस इवेंट का कौन सा एडिशन होगा। दोस्तों इसका आंसर है 17th एडिशन, इस इवेंट का 17th एडिशन होगा। 82nd क्वेश्चन देखते हैं, वेटरन इंडस्ट्रियलिस्ट है राहुल बजाज जिनकी डेथ हो गई है, राहुल बजाज को इसमें से कौन सा अवार्ड दिया गया था। राहुल बजाज जी को पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था और ये जो बजाज ग्रुप है ये बजाज ग्रुप के फाउंडर या हेड थे। इंडियन एयरफोर्स ठीक है ये सिंगापुर में होने वाले एयर शो में पार्टिसिपेट करेगा। सवाल है कि इंडिया उस पार्टिसिपेशन में अपना कौन सा एयरक्राफ्ट दिखाएगा। आंसर इज तेजस, तेजस हमारा इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट है, इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट है आईएन तेजस, तेजस को दिखाया जाएगा, शोकेस किया जाएगा। इंडिया ने रिसेंटली किरीबाती नाम का एक पैसिफिक आइलैंड है वहां पे सप्लाई दी है, मेडिकल सप्लाई दी है। किरीबाती की कैपिटल क्या है, किरीबाती की कैपिटल है दोस्तों ताराबा, ताराबा इज द कैपिटल ऑफ किरीबाती। इसरो ने एक मिशन लॉन्च करा है जिसके अंदर 3 सैटेलाइट्स उन्होंने लॉन्च करी हैं, एक है EOS-04, INS-2D और इंस्पायर। INS-2D और इंस्पायर के साथ में EOS-04 गई है। कौन से रॉकेट के थ्रू यह मिशन किया है इसरो ने, तो यह मिशन करा है PSLV-C52 रॉकेट के साथ में। PSLV-C52 मिशन था, PSLV होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, C-52 रॉकेट था जो कि इन सैटेलाइट्स को लेकर गया। कृषि नेटवर्क के ब्रांड एम्बेसडर और इन्वेस्टर कौन अपॉइंट हुए हैं, ये हुए हैं पंकज त्रिपाठी। सिंगापुर एयर शो में क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया दोस्तों, सिंगापुर एयर शो में हमारा कौन सा एयरक्राफ्ट गया है, यह गया है तेजस, गया नहीं आई मीन जाएगा। कौन सी स्टेट यूनियन टेरिटरी ने QR कोड बेस्ड मैकेनिज्म दिया है वहां के हैंडमेड कारपेट्स को सर्टिफाई और लेबल करने के लिए। दोस्तों हैंडमेड कारपेट जो बहुत ज्यादा फेमस है वो है जम्मू एंड कश्मीर के, तो उन्हें लेबल और सर्टिफाई करने के लिए QR कोड रिस्पॉन्स को यूज किया जाएगा। TTFI जो है दोस्तों टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसको डिस्चार्ज कर दिया गया है, ठीक है इसको डिस्चार्ज किया गया क्योंकि हमारी प्लेयर है मनिका बत्रा जी, मनिका बत्रा ये हमारी टेबल टेनिस प्लेयर है, इन्होंने मैच फिक्सिंग के आरोप लगाए थे TTFI ने, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने TTFI के बोर्ड को खारिज कर दिया है, खंडित कर दिया गया है कि अब ये बोर्ड नहीं रहेगा, तो उसकी जगह एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा। तो उसके एडमिनिस्ट्रेटर के चेयरपर्सन जो अपॉइंट हुए हैं वो हुई हैं जस्टिस गीता मित्तल।
इंडिया ने किसके साथ एमओयू साइन करा है कि हम अफगानिस्तान में फूड ग्रेन्स देंगे? तो ये एमओयू साइन हमने करा है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो कि होता है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है रोम इटली में। रोम इटली में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लैंडर इंस्टीट्यूशन ने, कौन से लैंडर इंस्टीट्यूशन ने हीरो इलेक्ट्रिक के साथ टाई अप करा है टू व्हीलर फाइनेंसिंग के लिए? तो दोस्तों ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फिर से आ गया है न्यूज में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हीरो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर फाइनेंसिंग, हीरो इलेक्ट्रिक के साथ में टाई अप करा है टू व्हीलर्स की फाइनेंसिंग के लिए। होप एक्सप्रेस किसने लॉन्च करने की बात करी है टू प्रिवेंट कैंसर? तो ये करा है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने बोला है कि होप एक्सप्रेस लॉन्च करेंगे टू प्रिवेंट कैंसर। इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे हम लोग किस दिन मनाते हैं? दोस्तों इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे मनाया जाता है सेकेंड मंडे ऑफ फेब्रुवरी। इस बार फेब्रुवरी का सेकेंड मंडे कब था वो आपको देखकर बताना है कैलेंडर में। ये हम लोग मनाते हैं सेकेंड मंडे ऑफ फेब्रुवरी को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड करा है नेपफिड के लिए, जो कि नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट है, उसके लिए तीन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए। क्वेश्चन इज इसके चेयरपर्सन कौन है? दोस्तों ये बजट में भी नेफिड का नाम आया था। मैंने आपको कहा था कि बजट में आने वाले इन टर्म्स के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा बजट की स्कीम्स का, स्कीम्स टर्म्स और पोर्टल के नाम से। तो नेफिड के चेयरपर्सन है केवी कामत। इंडिया का फर्स्ट वाटरबर्ड सेंसस कहां पर कंडक्ट हुआ है? दोस्तों ये कंडक्ट हुआ है तेलंगाना में। सेवन लेक्स है वहां पे, सेवन लेक्स पर ये इंडिया का फर्स्ट वाटरबर्ड सेंसस कंडक्ट किया गया है। वनाटू नाम की एक कंट्री है दोस्तों, उसकी कैपिटल हमसे पूछी है। वनाटू की कैपिटल है पोर्ट विला। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के स्टेक्स हैं इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में, तो उसके 21% स्टेक्स कौन खरीद रहा है? तो दोस्तों उसके 21% स्टेक खरीदेगा बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के 21% स्टेक्स फ्रॉम इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से खरीद रहा है। फिक्की कैस्केड है दोस्तों, फिक्की कैस्केड ने कौन से दिन को एंटी स्मगलिंग डे बनाने की बात करी है 2022 से? तो फरवरी 11 को हम लोग हर साल 2022 ऑनवर्ड्स हर साल एंटी स्मगलिंग डे मनाया करेंगे। एक इंटीग्रेटेड मोबाइल सर्विस डिलीवरी वैन लॉन्च की जा रही है दिव्यांगजन और सीनियर सिटीजन के लिए। इंटीग्रेटेड मोबाइल सर्विस डिलीवरी वैन फॉर दिव्यांगजन एंड सीनियर सिटीजन, दोस्तों ये कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च कर रही है? तो ये लॉन्च होगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, ठीक है, अप्रूव करा है एक्सटेंशन ऑफ अम्ब्रेला स्कीम ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस। दोस्तों एमपीएफ एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसके अंदर पुलिस फोर्सेस को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। इस स्कीम को कब तक के लिए एक्सटेंशन मिला है? इसको एक्सटेंशन मिला है साल 2025-26 तक के लिए। कौन से इंडियन क्रिकेटर को ESPN क्रिकेट इन्फो टेस्ट बैटिंग अवार्ड मिला है 2021 का? दोस्तों ये आंसर है इसका ऋषभ पंत, जो कि हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के क्रिकेटर हैं, और इनका मैंने पीछे बताया था कि ये उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। सौभाग्य स्कीम के अंदर कौन सी स्टेट को मिला है कि मैक्सिमम हाउसहोल्ड दैट इलेक्ट्रीफाइड थ्रू सोलर बेस्ड स्टैंड अलोन सिस्टम? तो सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन, नहीं सॉरी, यूज इन स्टैंड अलोन सिस्टम घरों के अंदर हो रहा है राजस्थान में अंडर सौभाग्य स्कीम। दोस्तों ये स्कीम न्यूज आ गई है आपके आरबीआई ग्रेड बी के लिए, आरबीआई ग्रेड बी के प्री प्लस मेंस दोनों के लिए ये स्कीम बहुत ज्यादा जरूरी है। रेल कम रोड ब्रिज बनाया जा रहा है ओवर रिवर गंगा, ठीक है, मुंगेर में, बिहार के मुंगेर में, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट, मैंने खासतौर से आपको मेंशन करके बताया था अपने करंट अफेयर वीडियो में। रेल कम रोड ब्रिज बनाया जा रहा है रिवर गंगा पर, इसको यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी प्लस चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार जो है उन्होंने इसको इनॉग्रेट करा है वर्चुअली। इसकी लेंथ कितनी है ब्रिज की? ब्रिज की लेंथ है दोस्तों 14.5 किलोमीटर, 14.5 किलोमीटर। आईटी मद्रास के साथ में, ओके, किसने टाई अप करा है लो कार्बन फ्यूचर एंड 100% रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करने के लिए? विच ऑफ द फॉलोइंग विल सपोर्ट आईटी मद्रास रिसर्च पार्क टू बूस्ट द ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स लो कार्बन फ्यूचर एंड टू एड इंडिया इन अचीविंग 100% रिन्यूएबल एनर्जी? तो दोस्तों इसका आंसर है सेंट गोबेन इंडिया। सेंट गोबेन इंडिया ने आईटी मद्रास रिसर्च के साथ में टाई अप करा है टू बूस्ट द ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स अ लो कार्बन फ्यूचर। ICAI के नए प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए फॉर द ईयर 2022-23? दोस्तों इसका आंसर है देवाशीष मित्रा। देवाशीष मित्रा जी जो हैं वो ICAI के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं फॉर द ईयर 2022-23। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर
2021-22 रिपोर्ट आई है, जैम रिपोर्ट, दुबई एक्सपो पे से अनवील किया गया था। इसके अंदर बोला गया है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया अमंग द इजिएस्ट प्लेस टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। दोस्तों इसका आंसर आता है फोर्थ। इंडिया की रैंक फोर्थ है अमंग द इजिएस्ट प्लेस टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट एवर नेशन टू अलाउ ड्रोन इन सिविलियन एयर स्पेस। सिविलियन एयर स्पेस में ड्रोन अलाउ करने वाला पहला वर्ल्ड का कंट्री बन गया है इसराइल। वन ओशन समिट हुआ था, हमने पीछे पढ़ा था कि वन ओशन समिट हुआ है, उसके अंदर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि 80% ऑफ सी बेल्ट को मैप कर दिया जाएगा बाय 2030। दोनों ही चीजें दोस्तों ये बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रेजेंट में हमारा 20% सी बेल्ट जो है वो मैप्ड है, सी बेड इज मैप्ड, 80% तक कर दिया जाएगा, यह बात बोली है यूनेस्को ने। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल wish_wise को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा दूसरा चैनल है RBI असिस्टेंट एग्जाम 22, आप इन दोनों चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी। That's all in this video, friends. Thank you very much.